हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे सहस्त्र बाहु और परशुराम की कथा। है वंश में उत्पन्न कार्तवीर अर्जुन बड़ा प्रतापी और शूरवीर था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं होने के कारण अर्जुन सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता था। उसे सभी सिद्धियां भी प्राप्त थी। सहस्त्र बाहु को अपने बल और वैभव का बड़ा गर्व था। एक बार वह गले में वैजंती माला पहने हुए नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था। उसने कौतुक ही कौतुक में अपनी भुजाओं को फैलाकर नदी के प्रवाह को रोक लिया। लंकाधिपति रावण को, जो उसी समय नर्मदा में स्नान कर रहा था, सहस्त्रबाहु का यह कार्य बड़ा ही अनुचित और अन्यायपूर्ण लगा। उसे भी अपने बल का बड़ा गर्व था। वह सहस्त्रबाहु के पास जाकर उसे खरी खोटी सुनाने लगा। सहस्त्रबाहु उसकी खरी खोटी सुनकर क्रुद्ध हो उठे। उसने उसे देखते ही देखते बंदी बना लिया। सहस्त्रबाहु ने बंदी रावण को अपने कारागार में बंदी कर दिया। किंतु पुलस्त्य ऋषि ने दयालु होकर उसे मुक्त करा दिया। फिर भी रावण के मन का अभिमान दूर नहीं हुआ। वह अभिमान के मद में चूर होकर ही ऋषियों और मुनियों पर अत्याचार किया करता था। सहस्त्रबाहु के अभिमान का तो कहना ही क्या था। वह तो सदा अभिमान के यान पर बैठकर गगन में उड़ा करता था। एक बार सहस्त्रबाहु उस वन में आखेट के लिए गया, जिस वन में परशुराम के पिता जमदग्नि का आश्रम था। सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ उनके आश्रम में उपस्थित हुआ। जमदग्नि ने अपनी गाय कामधेनु की सहायता से सहस्त्रबाहु और उनके सैनिकों का राजसी स्वागत किया और उनके खान पान का प्रबंध किया। कामधेनु का चमत्कार देखकर सहस्त्रबाहु उस पर मुग्ध हो गया। उसने जमदग्नि से कहा कि वे अपनी गाय उसे दे दें। किंतु जमदग्नि कामधेनु को क्यों देने लगे? उन्होंने इनकार कर दिया। उनके इनकार करने पर सहस्त्रबाहु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले चलें। निदान सहस्त्रबाहु कामधेनु को अपने साथ ले गया। उस समय आश्रम में परशुराम नहीं थे। परशुराम जब आश्रम में आए तो उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें बताया कि किस प्रकार सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ आश्रम में आया था और किस प्रकार वह कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। घटना सुनकर परशुराम क्रुद्ध हो उठे। वे कंधे पर अपना परशु रखकर महिष्मति की ओर चल पड़े, क्योंकि सहस्त्रबाहु महिष्मति में ही निवास करता था। सहस्त्रबाहु अभी महिष्मति के मार्ग में ही था कि परशुराम उसके पास जा पहुंचे। सहस्त्रबाहु ने जब यह देखा कि परशुराम प्रचंड गति से चले आ रहे हैं, तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। एक ओर 1000 सैनिक थे, दूसरी ओर अकेले परशुराम थे। घनघोर युद्ध होने लगा। परशुराम ने अकेले ही
सहस्त्रबाहु के समस्त सैनिकों को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। जब सहस्त्रबाहु की संपूर्ण सेना नष्ट हो गई, तो वह स्वयं रण के मैदान में उतरा। वह अपने हजार हाथों से हजार वाण एक ही साथ परशुराम पर छोड़ने लगा। परशुराम उसके समस्त वाणों को दो हाथों से ही नष्ट करने लगे। जब वाणों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो सहस्त्रबाहु एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर उसे हाथ में लेकर परशुराम की ओर झपटा। परशुराम ने अपने वाणों से वृक्ष को तो खंड खंड कर ही दिया, सहस्त्रबाहु के मस्तक को भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह रणभूमि में सदा के लिए सो गया। परशुराम सहस्त्रबाहु को मारने के पश्चात कामधेनु को लेकर अपने पिता के सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि जमदग्नि कामधेनु को पाकर अतीव हर्षित हुए। उन्होंने परशुराम को हृदय से लगाकर उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। परशुराम अपने पिता के अनन्य भक्त थे। वे उन्हें परमात्मा मानकर उनका सम्मान किया करते थे। जमदग्नि बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने योग द्वारा सिद्धियां प्राप्त की थी। सवेरे का समय था, जमदग्नि की पूजा का समय हो गया था। परशुराम की माँ रेणुका जमदग्नि के स्थान के लिए जल लाने के लिए सरोवर पर गईं। संयोग की बात, उस समय एक यक्ष सरोवर में कुछ यक्षिणियों के साथ जल विहार कर रहा था। रेणुका सरोवर के तट पर खड़ी होकर यक्ष के जल विहार को देखने लगी। वे उसके जल विहार को देखने में इस प्रकार तन्मय हो गईं कि यह बात भूल गईं कि उनके पति के स्नान का समय हो गया है और उन्हें शीघ्र जल लेकर जाना चाहिए। कुछ देर पश्चात रेणुका को अपने कर्तव्य का बोध हुआ। वे घड़े में जल लेकर आश्रम में गईं। घड़े को रखकर जमदग्नि से क्षमा मांगने लगी। जमदग्नि ने अपनी योग दृष्टि से यह बात जान ली कि रेणुका को जल लेकर आने में देर क्यों हुई। जमदग्नि क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि रेणुका का सिर काटकर धरती पर फेंक दो, किंतु परशुराम को छोड़कर किसी ने भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने पिता की आज्ञा का अनुसार अपनी माँ का मस्तक तो काट ही दिया, अपने भाइयों का भी मस्तक काट दिया। जमदग्नि परशुराम के आज्ञा पालन से उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। परशुराम ने निवेदन किया, पितृ श्रेष्ठ, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं, तो मेरी माँ और मेरे भाइयों को जीवित कर दें। निदान परशुराम की माँ और उनके भाई पुनः जीवित हो उठे। कामधेनु को पाने पर जमदग्नि को अतीव प्रसन्नता तो हुई थी, किंतु उन्हें यह जानकर बड़ा दुख भी हुआ कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया है। उन्होंने परशुराम की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुमने सहस्त्रबाहु का वध करके अच्छा नहीं किया। हम ब्राह्मणों की शोभा क्रोध से नहीं, क्षमा से बढ़ती है। क्षमा से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हैं। राजा
ब्राह्मण के सदृश होता है। तुमने सहस्त्रबाहु का वध करके ब्राह्मण की हत्या की है। तुम्हें हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए। पिता की आज्ञा मानकर परशुराम तीर्थों की यात्रा पर चले गए। वे पूरे वर्ष भर तीर्थों में ही भ्रमण करते रहे। उनके पिता ने इसके लिए हर्ष तो प्रकट किया ही था, उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्र अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अवसर ढूंढ रहे थे। एक दिन जब परशुराम और उनके भाई आश्रम में नहीं थे, सहस्त्रबाहु के पुत्र आश्रम में आ धमके। जमदग्नि यज्ञ मंडप में ध्यानस्थ बैठे थे। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनका मस्तक काट डाला। वे अपने साथ उनका मस्तक भी ले गए। रेणुका विलाप करने लगी, आर्तनाद करने लगी। संयोग की बात, परशुराम शीघ्र ही आ गए। वे शोकमग्न अपनी माँ के मुख से पिता के सिर छेद किए जाने की बात सुनकर क्रुद्ध हो उठे। वे अपने परशु को लेकर महेश्मति की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने महेश्मति को तो उजाड़ ही दिया, सहस्त्रबाहु के पुत्रों को भी मार डाला। उन्होंने अपने पिता का मस्तक लाकर अपनी माँ को दिया। रेणुका अपने पति के साथ सती हो गई। इस घटना के पश्चात परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर दिया था। श्री राम ने जब उनके क्रोध को शांत किया, तब वे पर्वत पर जाकर तप करने लगे। उनकी शूरता और वीरता ने उन्हें अमर बना दिया। धन्यवाद।